मेरे से पौवे भी खिलवाए जा रहे हैं। आपसे कितना बड़ा झूठ बुलवाया जाता है, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौतें हुई है। आप क्यों छुपा रहे हो, अपराध को छुपाना भी तो पाप है। मैं पूछ रहा हूँ, चार वर्ष तक सरकार कहाँ सोई हुई थी? जी ने बहुत लंबा चौड़ा जवाब बनाया इसका, जिनको जवाब बना करके दिया उसमें इतनी कमियां और खामियां हैं कि स्वयं पढ़ते पढ़ते भी परेशान हो गए। उसको इन्होंने स्वयं ये कह दिया कि मेरे से कम इस तरह की गलत रिपोर्टिंग हाउस में ना करवाई जाए। एक चीज आपके यही कहा और क्या, तो बैठ गए ना आप। नहीं नहीं, आप कौन के उत्तर के, मुझे कहने वाले बैठ दो, आप कहने वाले इधर बैठे हैं। आप, मैंने ये बात कब कही कि मेरे से गलत ना करवाओ? नहीं नहीं, कब कही आपने ये कहा? सारा हाउस बैठा है, मेरे से पौवे नहीं पड़े जाते। मैंने कब कहा कि मेरे से गलत रिपोर्ट मत पढ़वाओ? मैंने कब कहा? हाँ वो तो मेरी वो है कि हाँ, तो मैंने ये तो नहीं कहा गलत, मैंने कहा मेरे से पौवे भी खिलवाए जा रहे हैं, ये कहा मैंने। ये देखो ना कि आपसे कितना बड़ा झूठ बुलवाया जाता है। एक आपने अभी पढ़ा था जिसमें लिखा गया है कि हरियाणा में नशे की ओवरडोज से मौत के मामले बहुत कम है। पिछले पांच वर्षों में आपने 2017 से 22 तक नकली दवाओं के अधिक सेवन के कारण केवल 34 मौत बताई है। ये आपसे पढ़वाए या किसी और ने पढ़ा? ये आपने पढ़ा है ना। ओवरडोज की वजह से आपको कोई, मेरे ख्याल बहुत ही, जिस किसी अधिकारी ने रिपोर्ट बना करके दी है उसने बहुत गुमराह करने का काम किया। एक एक गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों बच्चे जो है चिट्टे की वजह से, केमिकल नशे की वजह से, ज्यादा डोज की वजह से सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौतें हुई है। मैं आपको कहूं तो गांव बता दूं विस्तार से कि नहीं, में मैं लोगों की मौत, मैं एक जिम्मेवार मेंबर से ये कहना चाहता हूं कि सरकारी रिकॉर्ड तो यही है 34 वाला, पर अगर आपके आपके ध्यान में और हैं तो आप उनकी रिपोर्ट रद्द करवाओ। नहीं नहीं, इसके ऊपर आप क्यों छुपा रहे हो? अपराध को छुपाना भी तो पाप है। इसके ऊपर बहुत बार अपराध को छुपाना भी अपराध है, और हर बार आप उनको आप दर्ज कराओ ना। गाँव में है इसका मतलब सरकारी रिपोर्ट तो यही है। अरे सरकार ने जो आपको आंकड़ा दिया है, आप कहते ओवरडोज की वजह से या जहरीली शराब की वजह से 20 मौत तो आपके यमुनानगर और अंबाला में होगी। ओवरडोज का उन्होंने ओवरडोज का कहा, ओवरडोज की वजह से चौथा भाई ओवरडोज भी माना जाएगा उसमें, जहरीली शराब भी माना जाएगा। शराब का अलग आंकड़ा दिया है उसमें। चलो नशे से तो ओवरडोज से मरता होगा आदमी। हाँ ओवरडोज का तो रोज अखबारों की कटिंग भी अगर आपने खुलवा करके देख लोगे तो एक साल के अंदर आपको कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबार में एक आधी खबर फतेहाबाद की, एक आधी खबर आपको डबवाली की, सरसा की, रानिया की, ये तो भरा पड़ा है सारा का सारा, रोज लोग मरते हैं वहां पे। आपको सबसे पहले तो यही गुमराह कर दिया, और आप भी फिर हाउस में उसको पढ़ करके बताते हो। आप कम से कम इस तरह की चीज तो ना पढ़ो जो सार्वजनिक रूप से सारे लोगों के सामने हो जाती है। आपके पास कोई और तथ्य है तो वो हाउस को भी जानकारी दें और मंत्री जी को भी। ये तो रोज अखबार की खबर है, तथ्य की क्या जरूरत है? आपके पास जो जानकारी है चाहे वो अखबार की है, मेरे पास जानकारी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह से ओवरडोज से अब तक 400-500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, नौजवान बच्चों की जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल 30 साल। ये आप वो, ये हाउस के आप पढ़वा देते हो यहाँ कि केवल इतने मरे। अध्यक्ष महोदय इससे बड़ा झूठ। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर इनके पास ऐसी डिटेल है तो ये दे दे, हम इंक्वायरी करवा देंगे। आपको मैं जांच करवा दूंगा, आपको कल ये डिटेल दे दूंगा। आप मुझे इतने मुझे डिटेल दे दीजिए, मैं मेरे आगे की दे दूंगा, मैं जांच करवा दूंगा, हाँ मंगवा दूंगा मैं। उसके साथ साथ इसी जहरीली शराब के मामले के अंदर पिछले विधानसभा के सत्र के अंदर जब सोनीपत में यह कांड हुआ था तब हमने चर्चा करी थी, और उसके अंदर जो आंकड़े आपने हमारे यहां प्रस्तुत करे थे मंत्री जी, ये फिर सुनने वाली बात है, जो आंकड़े आपने उस वक्त यहां प्रस्तुत किए थे उनमें जो आपने आंकड़े लोकसभा में भेजे थे उसमें एक अंतर था, और उस वक्त हाउस में आपने ये बात कही थी कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है जिन अधिकारियों ने मुझसे गलत पढ़वाया है
मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उसमें आपने क्या किया अब तक, कौन अधिकारी था उसका नाम भी बताओ जिस किसी ने इस तरह की रिपोर्टिंग लोकसभा में करवाई के विधानसभा में करवाई, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हाल ही में जो शराब का घोटाला हुआ है, जो जहरीली शराब से जो मरे, उसके बाद जो जांच कराई गई है, उस जांच के अंदर जो अलग अलग आपके L1 है, L13 है, 14 है, जो भी है, जहां आपके गोदाम बनाए गए हैं, उनके अंदर 70,250 पेटी शराब की जो है फिर कम पाई गई है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो लोग जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई करी है? वो है कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करी है, उनके नाम भी बता दो। इन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई करी है, ये लोग इसमें शामिल है, उनके खिलाफ भी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। उसके अलावा आपने सभी में भी पढ़ा है कि दो जांच हुई है इसमें, एक आपने कहा है कि पहली जांच टीसी गुप्ता से कराई गई और दूसरी जांच जो है एक IPS अधिकारी से कराई गई, जो एडिशनल DG था, जो आपके सत्र का इसमें लगा हुआ था विजिलेंस, और उसकी जो रिपोर्ट है विजिलेंस वाले की, आपने कहा कराई है जांच कराई है, फिर उसकी रिपोर्ट कहां है? आपने क्यों नहीं प्रस्तुत करी? उस रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम आए थे, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, उनके क्या अगर समय तो दिया इसमें किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है? मैंने पढ़ा तो है, आप थोड़ी देर के लिए सो गए थे पर मैं तो पढ़ता रहा जी। नहीं नहीं, तो मैं भी सुन रहा था सारी चीजें। उसके अलावा अगर समय रहते आप लॉकडाउन के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी उसके ऊपर कार्रवाई करते, सख्त कार्रवाई करते, तो आज इन सब चीजों के लिए आपको फिर कटघरे में खड़ा नहीं होना पड़ता, फिर आज इस तरह के हालात नहीं पैदा होते। ये सब का कारण जो है आपके अपने महकमे के अंदर पुलिस की कमी की वजह से है, जो 21,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल्स की या दूसरे और पदों के ऊपर जो कम कर्मचारी है उसकी भी एक कारण है कि उसकी वजह से इस किस्म के हादसे रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, 4 वर्ष तक सरकार कहां सोई हुई थी, क्या कर रही थी? इससे पहले जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी उसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी? 2020 और 21 की जो रिपोर्ट है राज्यसभा की वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, वो आ गई है सारी। आपने कोई प्रश्न को और कोई प्रदेश के अंदर जो शराब नहीं, जो आपने कोई प्रश्न पूछना है और कोई, आपने चार प्रश्न जुड़ा हुआ मामला है। हाँ जी, ये इसी से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ ना, प्रश्न पूछिए आप। हाँ तो बहस पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रही है। अभी तो बात आधी बात भी नहीं पूछी गई। नहीं, प्रश्न ऐसा है कि पूछ रहा हूँ। देखिए, काल टेंशन मोशन में बहस नहीं है, प्रश्न पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, दो पूछ सकते हैं। और क्या पूछ रहा हूँ? हाँ जी, हाँ, सप्लीमेंट्री पूछ रहे नहीं आपके जो लिखा हुआ वो पढ़ के सुना रहे हैं आप। तो कौन से, किसने लिखा है? हाँ जी, ये लिखा हुआ ये सुना रहे हैं। हाँ, मैं जो इन्होंने लिखा है उसका जवाब मांग रहा हूँ। वही दबा कि आपने जो गलत लिख करके लेकर के आए हो, जो गलत आप पढ़ रहे हो, आप जो चीजें सही है, जो आंकड़े आपके अपने सरकारी हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, चलिए देखिए, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये तो पूछ रहा हूँ। तो कैग की रिपोर्ट है 2020 और 21 की, मंत्री महोदय कैग की रिपोर्ट पढ़ी आपने क्या 2020-21 की? तो पढ़नी चाहिए थी, पढ़ी क्यों नहीं आपने? हाँ, पढ़नी पड़ेगी। मंत्री जवाब देगा तो कौन कौन देगा जवाब? जो सवाल हमने आपसे किया है जवाब आप जो देगा यहाँ? चलिए, मैं समझता हूँ कि जितना आप इसको हंसी में टालने की कोशिश कर रहे हो, जितना किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मेरी तो रिपोर्ट समझ से बात है। आप जैसा सीनियर आदमी, यहाँ व्यवस्था है, जैसा सीनियर आदमी इस तरह की बात करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ व्यवस्था है, सीएजी की रिपोर्ट को PAC पढ़ती है और PAC अपनी डिपार्टमेंट को बुलाकर अपनी उनकी इंक्वायरी करती है और फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जो हमने सारे ने आपसे पूछा है, जो हमने आपसे पूछा है उसमें कैग की रिपोर्ट का हवाला हमने दिया है कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2020 और 21 में राज्यसभा का जो नुकसान बताया गया, प्रदेश के राज्य को लगभग 106,75,00,000 रुपए का नुकसान, चपत लगाई गई है, जिससे विभाग के अधिकारियों ने ऑडिट अधिकारियों के बीच में ये बात स्वीकार करी है कि हाँ हमारे से गलती हुई, इस गलती की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अबे जी, उसमें कौन अधिकारी शामिल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? अबे जी, एक मेरा निवेदन है कि ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये जो जहरीली शराब के कारण जो मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उसको लेकर के है। हम पूरा पिछले 2020-21 का या प्लान हो रहा है जहरीली शराब इस पे नहीं है, उन्होंने उसका जवाब दिया। जो नकली आपके ठेके चल रहे हैं,
उनका कोई जिक्र नहीं हो। हाँ जी दे दिया जवाब दिया उन्होंने, नहीं जहरीली शराब का जवाब दिया जी उन्होंने, कितने लोगों पर केस दर्ज हुए हैं कितने उसमें तो ये खौदे में इतनी शराब पकड़ी, उसारी जारी नहीं पकड़ी थी क्या जी, उसारी दे रखे जितनी जवाब भी तो आउट ऑफ कंटेस्ट है ना, जो अगर आप उनको कह रहे आउट ऑफ कंटेस्ट जहरीली शराब का ही दिया उन्होंने कि इतनी शराब हमने पकड़ी है। हाँ जी ठीक चलिए, आपने आपने भी इनका पक्ष ले लिया, कह दिया जवाब दिया तो जवाब दिया, तो ये बता दे आपने जो ऐसा है इसमें आपने जो विजिलेंस से इंक्वायरी कराई थी उसकी रिपोर्ट कहां पे है वो बता दें आप, आपने जो विजिलेंस से जांच कराई थी वो रिपोर्ट कहां पे है? मैंने आपको बताया इसमें पढ़ के कि जो इसमें कहां लिखा हुआ है गुप्ता के बारे में, जो टीसी गुप्ता के तहत कमेटी बनी थी उसके क्या क्या एक्शन लिए गए, किन किन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, किसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, मैंने बताया आपको। श्रीकांत जाधव की तरफ से जांच कराई, मैंने बताया ना जांच की रिपोर्ट कहाँ है? चलिए बलराज कुंडू जी रिपोर्ट कहाँ रखी है बताओ ना, बलराज कुंडू जी को बचा रहे हो आप, तो मांग ही रहे हम तो आपसे, हमने रोज मांगी आप आपसे, तो मैंने वो भी मांगा था कि लोकसभा में क्या दिया, विधानसभा में क्या बोल रहे हो, आप कह रहे हो 15 दिन में दे दूंगा, बताओ कहाँ गए? ऐसा है अभय जी, क्या किया आपने उन लोगों के? कुंडू जी बोलिए, हो गया हो गया, जवाब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप, नहीं मेरे पास नहीं, जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं उसका जवाब देना या बहस करना वो जरूरी है।